पतितानंग पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथ ला रहे हैं गुरु के हाथ में देने की 5 मिनट की जान वो ग्रंथ ले रहे हैं वो ग्रंथ गुरुदेव का ग्रंथ ला रहे हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरि बोल हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी पर मैं जथा जी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। एक तो आज श्री राधा दामोदर व्रत है। आज का दिन से ये व्रत शुरुआत हुई है। इसलिए गुरुदेव क्या करते थे, दामोदर दो है, एक तो यशोदा दामोदर और एक है राधा दामोदर। क्योंकि ये दोनों दामोदर की कथा इसी महीना में हुई। इसी महीना में ही कृष्ण अनंत असीम होते हुए भी मैया यशोदा के प्रेम में वशीभूत होकर के उन्होंने बंधन को स्वीकार किया। जो माया को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को जो बांध करके रखे
लेकिन आज स्वयं मैया जसोदा की बंधन को स्वीकार किया। तृतीय एक राधा दामोदर है। दूसरा दामोदर क्या है, जब कृष्णा रास कर रहे थे, रास करते करते गोपियों का सौभाग्य मधुर हुआ। गोपियों ने सोचा राधा रानी की कोई जरूरत नहीं, हम तो स्वतंत्र नायिका है, राधा रानी के बगैर हम ही रास कर सकते हैं कृष्ण को साथ में। इतने में कृष्ण ने देखा ये रासेश्वरी की श्रीमती राधा रानी, ये लोग तो राधा रानी को ही नेग्लेक्ट अनादर करना शुरू कर दिया। इसलिए श्याम सुंदर राधा जी की महिमा को प्रकाश करने के लिए कृष्णा उसी समय में राधा रानी की भी मान हो गई, बोले कृष्णा सबके साथ में भी है और कृष्णा मेरे साथ में भी कृष्णा है, इसलिए राधा रानी की हो गई मान और गोपियों को हो गया सौभाग्य मत। इसलिए कृष्णा राधा रानी जब रास लीला छोड़ करके चली गई, श्याम सुंदर राधा रानी का मान को प्रसन्न करने के लिए, गोपियों की सौभाग्य मद को दूर करने के लिए कृष्ण भी रास से अंतर ध्यान हुए। फिर जब श्याम सुंदर ने अभी थोड़ी दूर में गए एक कुंज में और अपना रूप को बदला दिया, बदला करके एक श्यामा सखी रूप कृष्ण धारण कर लिया, बोले देखो चलो हम जितने गोपियां श्याम सुंदर का हम ढूंढने चलते हैं। इतने में कृष्ण राधा जी के हाथ को पकड़ लिए, पकड़ करके उनको एक निकुंज में ले गए और कृष्ण अपना हाथों से श्री किशोर जी की अपना हाथों से उन्होंने श्रृंगार किए। जब राधा रानी को उन्होंने श्रृंगार की, इतने में अभी राधा रानी सोच रही है मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छे नहीं कर रहा, क्योंकि ये गोपियां है कौन, यदि ये गोपियां और कोई नहीं, ये राधा रानी की भाव ही ये एक एक रूप धारण की है, इसलिए सबके सब आनंद चिन्हमय रस प्रतिभाविता भी, यदि राधा जी की ये काय भी हो ये सबके सब गोपियां हैं। अभी राधा रानी सोच रही है मैंने केवल श्याम सुंदर को अकेला लेकर के यहाँ पर आनंद ले रही हूँ, लेकिन मेरी जो कायब विवाह है, मेरी जो प्रकाश सबके सब ललिता विशाखा चंपकलता इंदुलेखा हैं सुदेवी रंग देवी रूपमंजरी ये सबके सब कृष्ण विरह में ये सबके सब श्याम सुंदर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं जो काम कर रही हूँ अच्छी नहीं कर रही। इतने में श्री राधा रानी ने हैं? इतने में श्याम सुंदर बोले हे राधे चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। राधा रानी बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे रासों से आप मेरे को उठा करके ले आए थे ऐसे ही मेरे को उठा करके ले चलो। बोले क्या मेरे कंधे पर बैठे, बोले बैठा लो। इसलिए राधा रानी ये सोच रही थी, राधा रानी की ये भावना है अगर थोड़ी से मैं मान कर लू ना श्याम सुंदर मेरे को मनाते मनाते इतने में सब गोपियां यहाँ आ जाएगी, फिर गोपियों को साथ में फिर मैं महाराज करूंगा। राधा जी की भावना थी। इतने में वहीं पर ही श्याम सुंदर जब अंतर ध्यान हुए और श्रीमती राधा रानी हा कृष्ण करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है, फिर गोपियां आकर के राधा रानी को होश दिलवा देने, होश देने का बाद फिर तो बोले हे राधे श्याम सुंदर तेरे को भी छोड़ करके चले गए, बोले हाँ मेरे को भी छोड़ करके चले गए, बोले देखो चलो कृष्ण को जितने हम ढूंढेंगे कृष्ण छुपने के लिए कोशिश करेंगे, और छुपने के लिए कोशिश करेंगे तो कृष्ण को कष्ट होगा, बोले एक काम करो कृष्ण को उनका भजन बड़ा प्यारा है, उनकी कीर्तन बड़ा प्यारा है, चलो हम सब के सब श्री जमुना किनारा में बैठी करके, क्योंकि जब तक यमुना की अनुराधा है जब तक ये जमुना की कृपा नहीं होगी तब तक ये श्याम सुंदर की कृपा हो ही नहीं सकती है। अगर अंदर में हम गाएंगे ये आवाज दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन एक खुली स्थान पर अगर हम गाएंगे आवाज सारा दुनिया में गूंजेगी, इसलिए श्याम सुंदर पर प्रकट होंगे। सब गोपियां जब जाकर के गोपी गीत को गाती हैं, फिर कृष्ण मनमथ के मनमथ रूप लेकर के ये गोपियों के बीच में श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। प्रकट होने पर इतने में जब श्याम सुंदर प्रकट हुए गोपियों ने
अपना चुनरियों को उतारे, उतार करके वहां पर आसन बनाए, बोले श्याम सुंदर को और राधा रानी को वहां पर बैठाए। बोले कृष्णा भी कहाँ बैठ रहे हैं? बोले गोपियों की चुनरी के ऊपर में। बोले कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण साधारण नहीं, जिनको पाने के लिए हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश चाहे निरंतर ध्यान ताही आहिरी की छोरिया छचिया बर छाच पे नाच नचा। इसलिए ये जो कृष्ण की साधारण नहीं, बड़े बड़े जोगी लोग भी बोले यद्यपि समाधि सु विधिरपि पश्यति न तब न घात्र मरिचि, जिनको पाने के लिए ब्रह्मा भी कृष्ण की चरण की नख की छटा तक भी वो ध्यान नहीं कर पाते। ऐसे जो कृष्ण अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं? गोपियों की चुनरी के ऊपर। मतलब क्या है? इनके प्रेम में कृष्ण संपूर्ण बसीभूत है, इतने में उनको प्रेम में बसीभूत है। इतने में गोपियों ने क्या किया? बोले श्री कृष्ण का जो चादर, राधा रानी की जो चादर चुनरी, उसमें दोनों में अच्छे तरह से उन्होंने काट बांध दी। बोले ये कन्हैया हमारे कृष्ण को बारम्बार छोड़ करके ये चली जाती है, अभी अच्छे तरह से काट बांध दो, अभी कृष्ण यहाँ से जा नहीं सकते हैं। इसलिए ये राधा दामोदर है और एक यशोदा दामोदर। जैसे कृष्णा अनंत असीम पते हुए भी ये मैया यशोदा की प्रेम में बसीभूत हुए, राधा जी की प्रेम में बसीभूत हुए। अगर इसी महीना में कृष्ण का वरदान है, अगर थोड़ी सी कोई कृष्ण के लिए भक्ति करे, थोड़ी सी हरिनाम करे, कीर्तन करे, धाम को परिक्रमा करे, हैं? अगर थोड़ी सी कोई भक्ति करे तो भगवान उनको प्रेम में भगवान बसीभूत हो जाते हैं। इसलिए इसी महीना में ही ये दो लीला हुई। अब विशेष करके इसी महीना में भगवान की ज्यादा से ज्यादा लीला इसी महीना में, कंसों का मारना भी इसी महीना में, गिरिराज गोवर्धन उठाना भी इसी महीना में, मक्खन चोरी भी इसी महीना में है। इसी महीना में कृष्ण की अक्सर करके प्राय करके इसी महीना में ही कृष्ण सारे लीला की। इसलिए ये महीना की बड़ी महत्व है और इसी महीना को उपलक्ष्य करके हमारे मित्र लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्त्री श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान श्रील केशव गोस्वामी महाराज आज का दिन ये तिरुभाव महामहोत्सव उन्होंने प्रकाशित किया था। इसलिए श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते समय इतने में राधा रानी की गले से अपनी आप एक माला टूट कर, मतलब क्या है कि आज श्री शरद पूर्णिमा रास भगवान की आज रास लीला है और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये श्री कृष्ण लीला में विनोद मंच है। मानो श्री राधा रानी ने देखा यहाँ पर तो सारे मंजरी है लेकिन एक मंजर की अभी बाकी है, वो कौन है? श्री विनोद मंजरी है। मान उन्होंने अपना लीला में श्री विनोद मंजरी को उन्होंने बुला लिया है। इसलिए कहते जितने सबके सब प्रभुपाद के जितने परिकर है, कहते ये सबके सब कौन है? कहते कोई साधारण नहीं। जिस समय श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद श्री कृष्ण लीला में ये नए नमणि मंजरी, जब ये निकुंज लीला में राधा जी की सेवा में ये संलिष्ट थे, वो लीला में युक्त थे, तब स्वयं राधा रानी श्रील प्रभुपाद को कहते हैं, बोले नए नमणि मंजरी जाओ, देखो ये दुनिया की दुर्दशा देखो, कैसे जीव कृष्ण विमुख होकर के ये माया में कैसे दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, जाओ तुम जा करके जीवन को उधार करो। इसलिए बोले अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर के जाओ। इसलिए जब प्रभुपाद आए, जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जब इसी जगत में आते हैं, वो अकेले नहीं आए। इसलिए बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्यो धाम सहावतरी, जैसे पूरा धाम परिकरों को लेकर के आए महाप्रभु, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी जब इसी जगत में आए, वो अकेले नहीं आए, संपूर्ण परिकरों को लेकर के अपना परिकरों को लेकर के आए। इसलिए जब श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब ये सबसे पहले प्रभुपाद का श्री चरण में आए,
तब प्रभुपाद कह रहे हैं बोले विनोद तुम एपर्यंत पुथाई छिले बोले एपर्यंत तुम की कर छिले ए तो देरी कर ले के ना ए तो पर्यंत तुम की कर छिले तिनि बोलले प्रभुपाद तुम आमा के पर से ढाकल ए बार तुम टेके छ ए बार आमे बार ऐसे के छ बुझते बात है तो जब हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज आए प्रभुपाद उनको पूछते हैं बोले अभी तक तो कहा था है? अभी तक तुम कहा था तुम अभी आ रहे हो वो कह रहे हैं बोले गुरुदेव अभी तक आपने मेरे को बुलाया नहीं था इसलिए मैं नहीं आया था आप अभी मेरे को बुलाया इसलिए अभी मैं आ गया मतलब ये समझो ये लोग कितने उनकी अंतरंग जन हैं जब प्रभुपाद जिसको जिस समय बुलाए वो सब के सब उसी समय में आए इसलिए इन्हीं के ऊपर में है इसलिए श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते इन्होंने कहाँ पर इनकी जन्म होता है वो जन्म साधारण जगह पर नहीं लिए वो जन्म लेते पूर्व बंगाल में जिनको दूसरे वृंदावन कहा जाता था है वहां पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की जहाँ पर श्री पुंडरी की विद्या निधि नरोत्तम दास ठाकुर का जहाँ जन्म स्थान है ये महापुरुष वहीं पर जन्म ग्रहण करते हैं इसलिए मैंने पहले बताया था जिस समय इसी जगत में श्री प्रभुपाद महाप्रभु इसी जगत से गए वहां पर एक पद्मा नदी है और पद्मा नदी को बोल करके देखो वो पद्मा मैं तेरे पास में अपना सारे प्रेम को प्रकट करके जाता हूँ कुछ दिन बाद में एक बहुत बड़े महापुरुष आएगा जो महापुरुष आएगा ये प्रेम ग्रंथ ले आए अमल प्रभु ग्रंथ ले आए वो महापुरुष आएगा तो उनको ये प्रेम दे देना बोले मेरे को पता नहीं चलेगा बोले वो इतने बड़े महापुरुष जब उनका चरण केवल तुम्हारी पानी को स्पर्श करेगा अपने आप तुम्हारे हृदय में प्रेम उफन पड़ेगा अपने आप प्रेम उफन जग जाएगा पता चलेगा यही वही महापुरुष कौन वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते नरोत्तम दास ठाकुर का चरण स्पर्श होते ही वो पानी अपने आप उफना और उफनते हुए वो हवा एक आई वो हवा उफनते हुए पानी को स्पर्श करते हुए और जिस तरफ में चला गया वो पानी जिस तरफ में चला गया कहते जितने हमारे अक्सर करके प्रभुपाद के जितने गण हैं सबके सब उसी तरफ से आए सबके सब उसी तरफ से आए इसका मतलब है ये सबके सब महाप्रभु का समझो प्रेम का मूर्तिमान ये सबके सब महापुरुष है इसलिए आज का दिन इनका तिरुवा महामहोत्सव है आज का दिन सारा दिन हम इनकी कथा सुनेंगे सारा दिन इनके हम आज कथा सुनेंगे कैसे उन्होंने प्रभुपाद की सेवा की और कितने बड़े उन्होंने महापुरुष थे क्या क्या उन्होंने कैसे प्राण दे करके उन्होंने अपना गुरु जी की कैसे सेवा की आज हम सारा दिन सुनेंगे और हमारे श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अमल गुरु कहेंगे इसलिए भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज इन्होंने उनको ऊपर में उनका सुंदर उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किया था हाँ भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज अद्भुत रूप में उनकी सारे वैशिष्ट उनकी सारे भाव को इसी ग्रंथ में उन्होंने स्वयं गुरुदेव प्रकाशित किया था उसी समय में अभी हमारे श्री अमल प्रभु जी हमारे श्री अमल प्रभु जी ये ग्रंथ के ऊपर में काम करते हैं फिर उन्होंने उसी ग्रंथ को पुनः उन्होंने वो ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया आज का दिन हम ये ग्रंथ को उनकी कर कमल में हम अर्पण करेंगे हमारे परमेश्वरी प्रभु काम करो परमेश्वरी प्रभु है काम परमेश्वरी प्रभु जी परमेश्वरी प्रभु हरे कृष्ण कभी ये पहले जो ग्रंथ था उनने हमारे महाराज जी केवल भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के ऊपर स्वयं लिखे थे जो कुछ उनने सुने देखे उसको बाद में हमारे जो गुरुवर्ग है प्रभुपाद का जो गण लोग थे वे लोग भी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने बात बताई अभी ये ग्रंथ जो प्रकाशित किया हुआ है उन लोगों को द्वारा जो कुछ कुछ उन लोगों ने कुछ बताए ये ग्रंथ में हाँ प्रभुपाद का शिष्य ने जो जो बताए अभी ये ग्रंथ में और एक साथ में सबके सब प्रकाशित हुए आज ये ग्रंथ का ओपनिंग प्रकाशित दिन है आज ग्रंथ प्रकाशित हुए थे
और इसी जो साल है हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज का 50 साल, इस उनको तिरोभाव का 50 साल हो जाएगा, इसलिए ये जो साल है इसका विशेष महत्व है। इसलिए श्री मथुरा में भी बड़े धूमधाम से उनकी उत्सव मनाया गया था। अभी वो ग्रंथों को हम गुरु जी को हाथ में देंगे, ठाकुर जी की चरणों में देंगे। अभी आप सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ और हम प्रसादान करेंगे। आ जाओ खड़े हो जाओ सबके सब, आरती आरती डालेंगे। भरत जी आरती करो और उसमें काम जी का आपको जय भक्ति प्रज्ञा के सब आरती निकालते इसमें ना निकालते इसमें।